शुभम ब्रो की जिसका नाम है गौरव ब्लॉग 8055। सो फिलहाल की आज ब्लॉग बनने का ये तरीका है कि हमारे पीछे देखो मेरे दोस्त है, इसका काम है बैंक में और हम इधर से जाएंगे शुभम भाई जो मेरे फ्रेंड से उनको मिलने के लिए। तो भाई शुभम भाई मिला और इधर हम सब चिल बैठे और उधर वो ट्रक वाले अंकल देखो, एक मिनट में जूम करके बताओ, उधर अंदर है वो बोल रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड से। ओए हाँ नहीं कितनी देर, अरे मंगा कुछ बोलते थे काय विषय, आता आपण जाऊया एका दुसऱ्या मित्राकडे, त्याचं नाव आहे शुभम द नल्ला। जाने का शुभम भाई के पास जाने का, जाने का। चेहरा तो देखो उनका, स्माइल तो देखो। मिस्टर नल्ले जी असरे, और इधर हमारे बेटे चॉकलेट बाबूरा, और ये देखो पुलिस वाले अंकल गोली लेके घूम रहे, पता नहीं किसको मारेंगे। और ये देखो मिस्टर नल्लेश्वर, इनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, फिर भी गाड़ी चला रहे। नंबर नोट कर लो, या नंबर नोट कर लो आप, ये MH11CZ1713। हाँ और ये नल्ला और वो नल्ली, 1713 तो उधर से भी रास्ता है, फिर भी हम रॉन्ग साइड से जा रही है क्योंकि पेट्रोल बचत, क्योंकि पेट्रोल सेव कर रहे। समझो अगर आगे से हमको हवलदार बिगोलदार किसी ने तो पकड़ा तो क्या होगा। और ये देखो टर्न मार रहा है, चुम्मा चुम्मा गुम्मा। From the boy, और ये दो नल्ले उधर रुके हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ तो शुभम बॉय को, शुभम द बॉय किधर गया, किधर गया, अरे मेरा चॉकलेट किधर गया। तो ये देखो मिस्टर नल्लेश्वर, इस कुत्ते को इज्जत शून्य है जग में, और ये दो नल्ले और ये एक नल्ला, ये मिस्टर नल्ला, ये मिस्टर मंकी का नल्ला। और ये भाई ये इधर काम कर, ये काम क्यों करते रे भाई तू, क्योंकि इसके पास ये एक से नहीं, शुभम भाई दिखाओ ना मेरे को, ये क्या है किसी जेब में क्या है ये, ये देखो वन प्लस लिया है 20,000 का, और इसके पास तो लाइक ही शून्य, इसके पास पैसा ही नहीं है उसके हफ्ते भरने के लिए बाबू राव, फ्रीजर ये काम कर रहा है। और वो नल्ला हमेशा लड़कियों के साथ बात करता रहता है, ये देखो क्या ही इसको बोले, जग में सिर्फ ये और मैं, हम दोनों ही सिंगर है, इसको भी है उसको भी, हम दोनों ही सिंसियर है, सिंसियर। हाँ बाबू राव मैं तो सिंसियर हूँ ना, बहुत सिंसियर हूँ ना। ओ पैंट तो देखो शुभम ब्रो की, कितना चॉकलेट ऑसम है। वीडियो क्यों नहीं निकाले हम, हमारे तुम्हारे किचन में हम है? डरते है क्या हमसे, जरा पैसा क्या कमाने लगा, भाई को भूल गया कुत्ता नल्ला कहीं का। चल भी रोहन भाई जरा धार मार क्या थे धार, इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम, हमारे पास तो इतना नहीं है। हम इसके बाद जाने वाले हमारे घर, और उसके बाद तो मालूम नहीं हम जाएंगे कि नहीं, हम जाने वाले हैं वाई, तो इधर उधर मतलब कुछ है देखने के लिए। अच्छा अच्छा तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बात नहीं ठीक है। तो सर उसको बाय बाय करते और निकलने की गोली लेते, समझे रोहन जी। किधर जाने का अभी, लड़कियाँ पटा किधर, इसकी लाइक जीरो है, दिख रहा है ऐसे 44 वर्षाचा माणूस दिसते पण म्हणते लड़की पाठ दिली त्याने, वयस्कर माणूस, वयस्कर माणूस, लाइक इन लाइक शून्य तुझी। और वो देखो वो नल आ गया, चल जाओ क्या। आ जा 6 बजे
बाय बाय। A few minutes later. A few minutes later. हम शुभम भाई को मिलकर आ गए इधर और इस ये भाई बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में बहुत बहुत पैसा है, तो ये भाई निकाल रहे पैसा। ये देखो एटीएम और ये देखो रोहन भाई। हैं नाच क्यों रहे आप? देखते हैं कितना पैसा है आपके अकाउंट में। अरे एटीएम कुटे दी बाल तो देखो, बाल तो देखो बकरे के जैसे बाल। और ये देखो बाबू एकदम चील में बैठे, स्माइल तो देखो। ये भी हंस रहा है। नहीं पर बाबूराव आप तो एकदम चॉकलेट है, ऐसे हसीन चेहरे पे कितनी लड़कियां पैदा होगी तो मेरे को मालूम नहीं है, बट है कि नहीं? समझ में देते। और हाँ तो रोहन भाई आप क्या बोल रहे थे, हम किधर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? पैसा निकालेंगे। पैसा तो है नहीं है इसके पास, फिर हम मुहिम जा रहे हैं। हाँ देख लड़की फिलहाल की दोस्तों एटीएम इसका मतलब बंद हो चुका है और अभी पैसे निकल रहे हैं इनसे, बट इनको टैक्सेस देना पड़ेगा। तो मिले और बाबूराव देखो खुश हो गया बाबूराव। बाबूराव कोई बात नहीं। तो पैसे मिल गए तो रोहन भाई हमको दे रहे रगड़ा और पानी तो पूरी के दिल में, और बाबूराव एकदम खुश है, चिल द लाइफ। और ये बंदा मालूम नहीं किधर गया था किधर नहीं, बट अभी आया है, लगता है सुसु करने के लिए गया था। सुसु करने के लिए गया था उधर, और उधर देखो पुलिस वाली है। और फिर लड़की मैंने गाड़ी इधर ही लगाई, तो मेरे पास है नहीं लाइसेंस है इधर, इसके पास तो लाइसेंस नहीं है, आरसी मेरे पास तो नहीं है, तो रिस्क ना लेते हुए मैंने गाड़ी उधर लगाई और इधर रुपये पानी पूरी गाड़ी ली। समझे क्या बोल रहे थे आप रोहन जी? ओ रोहन जी अरे बोलिए ना। अरे भाई लड़कियाँ देख लेते हो मेरे को। हाँ भाई ये आया इधर लड़की देखने के लिए, हम दोनों तो संस्कारी है ना भाई, बुला अधिकारी तो देखते भी नहीं लड़कियों का हमको स्पेलिंग भी नहीं आता। ये नल्ला और वो शुभम जो आपने देखा होटल के उधर, मतलब वो काम करता है वो वाला, दोनों को भी मतलब आदत है लड़के में देखने, हमको नहीं बाबू। तो अब इस पानी तो पूरी के बच्चे के दिल में इसका नाम क्या है मारू भाई इसका नाम क्या है? नहीं वो जो श्रीनाथ दाबिली बिली सेंटर वाला है, और ये इधर दाबिली नहीं दूसरे देखो इधर दाबिली लिखा है। हाँ और अरे आपको नाम बताता हूँ इसका, नाम है ना ये चश्मा वाला, तो इसका नाम है द मिस्टर चड्डीला, कोई नाम होता है। आम्हाला खायला पिला चालेल, आम्ही मस्त चिल करत खाणार। आणि आता कुठेतरी जाणार, कुठे जाणार रोहन भाई? आपण आता अभी जाएंगे ते एक कालिदास के पास। हाँ कालिदास के पास वो जो आपको पैसा देखा था वो हमारा नहीं है, वो हमको देना है दूसरों को, क्योंकि दूसरे का पैसा हम दान करते हैं। हाँ दान करते हैं, पैसा तो हमारा है ही बट नहीं भी है, उनको देना है क्योंकि इस नल्ली ने उनसे उधर भी कुछ लिया था, इसलिए नहीं तीन पूरी एक्स्ट्रा दी थी दादा को इज्जत है। और ये दूसरा ही नुस्तर दूसरा ये और ये तो इधर तो हमने हारो जी आप क्या ले रहे हैं? बिस्किट। ओके बिस्किट ले रहे हैं इस कुत्ते के लिए, कुत्ता नहीं इसका नाम है रैम, वो
खाने पे पूजा करके। तो ये हमारा दोस्त थे, इसको हम खाना खिला दे, भाई दो उनको और बाबू तो स्माइल ही देते जा रही है यार। दोस्तों फिलहाल की मैं अभी वाई में हूँ, ये आप देख सकते हो ब्रिज है और आगे वो मंदिर है, आई मीन गणपति का, गणपति बप्पा, ये देखो ये वाला मेन मंदिर है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, तो गाइस अब मेरी थोड़ी मतलब गड़बड़ी आता, माई सारा गड़बड़ है, आता घरी चालते मेरे घर फोन है, तर बघू आता घरी जाता तुम्हाला काय तिथे दाखवून काय भेटलं भेटलं तर। तर हा ब्रिज बघा आणि ते मंदिर आहे, ते मी पुढच्या वेळेला नक्की तुम्हाला दाखवेन देवाला आतमध्ये जाऊन, तिथं कारण की अलाउड नाही आहे मोबाईल वगैरे, तर मी ॲडजस्ट वगैरे काहीतरी करीन आणि तुम्हाला दाखवेन, ठीक आहे। आता बघूया की आपण पुढे जाऊया आणि बघता काय होते काय नाही ते, और येत कोण आहे तो दोस्तों इधर से रास्ता आता है उस मंदिर के लिए, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में कंप्लीट अच्छे से दुरुस्त करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल की एक कैमरामैन जो है आपने मतलब मोबाइल जिसने पकड़ा है वो, और ये जा रहा है पल्टन को, और मैं इधर से जाऊंगा घर, क्योंकि मेरा घर इधर से बरोबर 18 किलोमीटर के आसपास है, आई मीन 18 भी नहीं 15, और इनका है कितना किलोमीटर रोड में 70 भी नहीं 70 या 60 के आसपास, और इधर गार्ड भी है, तो मेरे को चिंता हो रही है कि ये भाई जा रहा है कि नहीं, तो फिर कब मिलेंगे रोहन भाई, कब मिलेंगे, मिलते रहेंगे भाई, तो ठीक है जाओ आराम से, और ये जो है गाड़ी ये मैं लेके जाऊंगा, स्कूटी ये इन बाइक की, ठीक है बाय बाय, इस गाड़ी से मैं जाऊंगा और इस गाड़ी जाएंगे, ठीक है चल चल आराम से जाना और सगळं व्यवस्थित, ठीक है। और दोस्तों मराठी एंड हिंदी रिमिक्स हो रहा है, तो आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, चलो चलो जाओ जाओ, ठीक कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, जाओ। अरे ये क्या कर रहा है।